बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम मिस वहीदा, सब्जेक्ट टीचर ऑफ मैथ, सब्जेक्ट मैथ, क्लास टीचर फोर फुल डे हिल्स। आज मैं आपको फोर फुल डे हिल्स की मैथ्स की वर्कशीट सेंड करती हूँ। स्टूडेंट, सबसे पहले आप यूनिट नंबर, एक्सरसाइज नंबर और पेज नंबर ज़रूर मेंशन करेंगे। आज यूनिट 5 एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 132 का सेंड कर रही हूँ। हाउ मैनी सेकेंड आर इन यानी कितने सेकंड होते हैं, 3 मिनट 15 सेकंड में कितने सेकंड होंगे, तो आप उसका सॉल्यूशन करेंगे। 1 मिनट में आपको मालूम है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं। तो अब आपको 3 मिनट और 15 सेकंड का सेकंड आपको मालूम करना है कि कितने सेकंड होंगे इनमें, इनको मिला के इसमें कितने सेकंड होंगे। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, अब 3 को जो है वो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 सेकंड होगा। तो इसका और फिर इसके बाद अब ये सेकंड रह गया है, अब इस सेकंड को हम इस सेकंड से प्लस कर देंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 195 सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 मिनट 60 सेकंड। 21 मिनट 60 सेकंड इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको भी आपको सेकंड में चेंज करना है तो उसको भी इसी तरह सेम इस तरह करेंगे जिस तरह मैंने पहला क्वेश्चन समझाया है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 21 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1260 सेकंड आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप सेकंड और सेकंड को प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1290 सेकंड, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इसका सी है 90 मिनट 80 सेकंड। इसको भी आप इसी तरह सेम सॉल्व करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो आप 90 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5400 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप इसको इस सेकंड से इसको आप प्लस कर देंगे तो आपका 5400 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर थर्टीन है आपका, 5D का क्वेश्चन नंबर 13 है, पेज नंबर 132 है। सबसे पहला क्वेश्चन है 1 आवर 50 मिनट्स, यानी आपको इसको भी आपको सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। अब 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यह तो आपको मालूम है, ठीक है। अब इसके बाद आप 1 आवर्स में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3600 सेकंड आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पर मैंने गलती से वर्कशीट में मिनट लिख दिया गया है, यहाँ पे आप लोग सेकंड लिखिएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों को हमने, क्योंकि इसको सेकंड में चेंज करना है ना, तो 1 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट इसके हो गए और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद 15 को 60 सेकंड में कन्वर्ट करना है, 15 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 15 को 60 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 सेकंड आ जाएगा। फिर हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे तो 4500 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन बी है 2 आवर्स 5 मिनट्स। क्वेश्चन बी है 2 आवर्स 5 मिनट। अब पहले 2 आवर्स को सेकंड में चेंज करेंगे, इसके बाद आप इसके 5 मिनट को सेकंड में लाकर दोनों सेकंड को प्लस कर देंगे तो इसका भी इसी तरह होगा 1 आवर 60 मिनट 1 मिनट 60 सेकंड। तो अब 2 आवर्स में जो है वो 3600 सेकंड हो जाएंगे। इसको हम 2 से जो है ना, ये 1 आवर्स में 3600 सेकंड हो जाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7200 मिनट्स हो जाएंगे, सेकंड हो जाएंगे। यहाँ पे भी मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे सेकंड आएगा, ठीक है, ये सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप जो है अब मिनट में सेकंड निकालने हैं तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 सेकंड आ जाएंगे, फिर इन दोनों सेकंड को प्लस करेंगे तो हमारे पास 7500 सेकंड आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 1044 मिनट, ठीक है। अब 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो पहले दोनों सेकंड को 1 आवर्स के सेकंड्स को निकाला तो 3600 सेकंड हो गया। इसके बाद हम
इसके बाद हम 44 मिनट में सेकंड निकालेंगे तो 2640 सेकंड्स हो गए। ठीक है, अब इन दोनों सेकंड्स को हम प्लस करेंगे तो आपका जवाब जो आ जाएगा 6240 सेकंड जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका रफर का अमल भी ज़रूर करेंगे। इसके बाद इसका डी पार्ट है, इसका डी पार्ट है 2 hours 20 minutes, 1 hour में 60 मिनट होते हैं, 1 minute में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, आप इन दोनों वन आवर्स में 3600 सेकंड हो गए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 hours हैं हमारे पास, तो हमारे पास सेकंड हो गए 7200 सेकंड हो गए। इसके बाद आपको 20 मिनट के सेकंड्स मालूम करने हैं, 20 मिनट में 1200 सेकंड्स हो जाते हैं, फिर दोनों सेकंड को प्लस करेंगे तो 8400 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, ओके, इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर समझ में आ गया होगा, इसको नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में करेंगे।